अगले दर्शक हमारे साथ रितेश पटेल हैं, कोल इंडिया बाई किया इन्होंने 450 रुपए पे 100 शेयर, हालांकि बाइंग प्राइस के आसपास ही भाव है, 443 रुपए 45 पैसे की क्लोजिंग है आज, लेकिन ये शेयर भी करीब करीब 11% कमजोर हुआ है पिछले एक महीने में। क्या लग रहा है, कोल इंडिया इनके बाइंग के आसपास ही रुकना चाहिए? बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने दिवाली पिक में, लॉन्ग टर्म पिक में कोल इंडिया में निवेश की सलाह दी थी, आप क्या कहेंगे, टेक्निकली कैसा दिख रहा है कोल इंडिया? तो टेक्निकली अगर हम देखिए तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर जरूर ट्रेड कर रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन डे के जो लोस थे वो काफी पिवट हाई और पिवट लो है। तो मेरे हिसाब से जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक इनको बने रहना चाहिए, 410 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। अगर 410 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तो इमीडिएट लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि 480-490 तक के लेवल, जहां पे एक मूविंग एवरेज क्लस्टर है, और जैसे ही 480 का लेवल क्रॉस होगा यहाँ पे एक नई रैली भी स्टार्ट हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही है, बट फिर भी 410 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। ओके।